मतलब एक एक नॉलेज मिला के मतलब वो कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा साफ भी है, उसके अलावा उसको देख के फॉरेन का थोड़ा मतलब व्यू आता है माइंड में, तो इस वजह से अच्छा लगा मतलब कि इंडिया मेरा मतलब ये ओपिनियन था, इस वजह से मतलब मेरा ये ओपिनियन था। अब अच्छा लगा कि नहीं? हाँ अब अच्छा लगा है, अपना मतलब माइंड एक इस तरफ भी गया है कि इंडिया थोड़ा साफ भी है। डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, वो डेवलप कर रहे हैं अगर तो उसको बहुत बड़ी अच्छी बात है, अपना मुल्क संवार रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपने नोट किया है कि बॉम्बे में डेवलपमेंट कितनी हो गई है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हमसे काफ़ी आगे जा रहे हैं। हम बॉम्बे को पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर करें तो क्या लगता है बॉम्बे पाकिस्तान के किस शहर से मिलता जुलता है? आई थिंक किसी से भी नहीं। सो ही हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी तड़कता भड़कता सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमे की हम रिएक्शन देखने वाले है पाकिस्तानी लोगों के हमारे इंडिया की एक सिटी को लेकर। उसका सिटी का व्यू दिखाया गया है और गेस सिटी कौन सी है? हमारी सिटी है मुंबई। मुंबई सिटी का वीडियो दिखाया गया है और उनको बोला गया है कि ये किस कंट्री से है और कौन सी सिटी है, तो गेस करने के लिए बोला गया है। आई एम श्योर 100% श्योर कि वो लोग गेस नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी जगह आज तक जिंदगी में देखी नहीं होगी, तो उन लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि कहाँ की हो सकती है। और इंडिया के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, उन लोगों की सोच कैसी है, उनकी औकात से बाहर की सोच है, तो मतलब इंडिया उनके औकात से उनकी सोच से बाहर है, ये मतलब था मेरा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन आते हैं लोगों के, क्या क्या बोलते हैं लोग, गेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बाकी हम लोग बाद में बात करते हैं। एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, आपने वीडियो देखकर गेस करना है ये वीडियो किस मुल्क के किस शहर के, गेस कर लेंगे? आई गेस मे बी। वीडियो स्टार्ट करें जी। ये पकड़ लें आप लोग। क्या लग रहा है कहाँ की वीडियो है? नहीं पता, आई थिंक न्यूयॉर्क है। आई थिंक न्यूयॉर्क क्यों लग रहा है? बिल्डिंग्स की वजह से। हाँ। ऐसी बिल्डिंग सिर्फ न्यूयॉर्क में मिलती है। मूवीज में जब न्यूयॉर्क दिखाते हैं तब ऐसे बिल्डिंग्स दिखाते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होगी कहीं पर भी। नहीं ये पाकिस्तान है भी नहीं। मे बी हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग क्यों लग रहा? मूवीज में देखे ना तो थोड़ा बहुत टच आ रहा है, हांगकॉन्ग वाला टच आ रहा है, लेकिन ये हांगकॉन्ग नहीं है। नहीं है, ठीक है। अमेरिका न्यूयॉर्क? ना अमेरिका है ना न्यूयॉर्क है। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं? आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि नजर आ रही है? हो तो नहीं रही, खैर मैं चाहूंगा कि वो लाजमी हो। चाइना? ना चाइना भी नहीं। आप बता दें फिर। अब आपने सारे मुल्कों के नाम ले लिए, कौन सा गया? अभी तो काफी रहते हैं। ये बताएं डेवलपमेंट कैसी लग रही है, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मजा तो आ रहा है, अच्छी है, वीडियो तो अच्छी है। कुछ बताएंगे? ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। फिल्म लग रही है? क्यों, कौन सी फिल्म लग रही है? हॉलीवुड की कोई फिल्म लग रही है मुझे। हॉलीवुड की कोई फिल्म लग रही है? नहीं ये हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, ये एक मुल्क है और एक मुल्क के अंदर एक बहुत अच्छा था डेवलप सा सिटी है। इसका आइडिया नहीं है, मुझे तो कोई फिल्म का सीन लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं फिर आप इस फिल्म को? जी बिल्कुल, डिफरेंट कंट्रीज इन्होंने उसमें दिखाई हैं, डिफरेंट सिटीज इन्होंने उसमें दिखाई हैं, बीच में इन्होंने थोड़ा इंडिया का टच दिया हुआ है, अब ये थाईलैंड की वीडियो थोड़ी लगी है मुझे इसमें। क्या लग रहा है कहाँ की वीडियो है? आई थिंक सो न्यूयॉर्क अमेरिका। इतनी अच्छी वीडियो है कि आपको न्यूयॉर्क अमेरिका लग रहा है? हाँ अच्छी बनी हुई है इसलिए कह रहा हूँ, और वैसे भी बिल्डिंग्स वगैरह मतलब किस तरह की लग रही है, मतलब न्यूयॉर्क की देखी है ना तो उस तरह की लग रही है। लेकिन ये न्यूयॉर्क नहीं है तो फिर जापान? नहीं जापान भी नहीं। फिर एक मिनट गौर करें वीडियो में, हो सकता है आपको कोई हिंट मिल जाए वीडियो से ही। देख रहा हूँ अगर कोई मिल गया तो। दिमाग चल जा। वैसे इस वीडियो में हिंट्स हैं आप लोगों के। अच्छा मतलब खूबसूरत शहर है, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पेरिस भी जैसे कि मतलब कि बड़ा खूबसूरत है, उसके अलावा दुबई को देख ले वो भी ऐसे ही है, तो बिल्डिंग्स वगैरह तो ऐसे मतलब ममालिक को शो कर रही है ना, ऐसी कंट्रीज कोई मतलब उन कंट्रीज में से कोई होगा, यूरोपियन कंट्रीज में से। ये एशियन कंट्री। एशियन है? मैं नहीं मानता ये एशियन है। अरे भाई मैं कह रही हूँ एशियन है ये, आई थिंक इंडिया का ही कोई है। इंडिया क्यों लग रहा? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है इस वजह से। पहले आप कह रही थी न्यूयॉर्क हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ के लोग देख के लग रहा है जो। हाँ क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो लग रहे हैं कि उनकी मतलब जुबान वो उर्दू इस तरह की है, उनकी लुक भी इस तरह से है। पाकिस्तानी लग रहा है बहरहाल मुझे। ये हमारा हमसाया मुल्क है। इंडिया?
यस इंडिया। ठीक ठीक ठीक, अब सिटी गेस करें। सिटी गेस करूं? मुंबई। यस बॉम्बे, नेबर कंट्री है हमारी। चाइना? नहीं यार, अब कौन सी नेबर होगी इसके अलावा, सिर्फ चाइना हमारा नेबर है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो चाइना ही है ना? तरक्की याफ्ता मुल्कों में चाइना के अलावा कोई नहीं है। ईरान तरक्की याफ्ता है, इंडिया तरक्की याफ्ता है। इंडिया तरक्की याफ्ता है? नहीं, इंडिया तरक्की याफ्ता नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो वीडियो है ये किसी आपको तरक्की याफ्ता मुल्क की लग रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये फिर इंडिया है? नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को। इंडिया की बॉम्बे सिटी की वीडियो है ये। आपने इंडिया का शहर बॉम्बे देखा? मैंने आज तक फिल्म सिर्फ फिल्मों में देखा हुआ था। वीडियो देखी बॉम्बे की, कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब एक नॉलेज मिला कि मतलब वो कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा साफ भी है, उसके अलावा उसको देख के फॉरेन का थोड़ा मतलब व्यू आता है माइंड में, तो इस वजह से अच्छा लगा। मतलब कि इंडिया, मेरा मतलब ये ओपिनियन था कि इंडिया एक थोड़ा सा गंदा सा, वो लोगों को देख के लगता है ना थोड़े वो गंदे से लोग लगते हैं देख के इंडिया वाले, असल में ना उनकी जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह मोस्टली ये चीज़ें दिखाते हैं ना, तो वो थोड़ा गंदा गंदा सी लगता है। इस वजह से मेरा यही ओपिनियन था। अब अच्छा लगा कि नहीं? हाँ अब अच्छा लगा है, अपना मतलब माइंड एक इस तरफ भी गया है कि इंडिया थोड़ा साफ भी है। और आपने देखने के बाद पता है क्या कहा था, कौन सी कंट्री है? हाँ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो इतना साफ है कि आपने उसको न्यूयॉर्क खुद कहा है, मैंने नहीं कहा। हाँ वही ना। आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा बॉम्बे? अच्छा लगा, मैं तो एक दफ़ा चौंक गई हूँ। अच्छा। सच में इंडिया इतना साफ है? ये इंडिया ही है और इतना साफ ही है पक्का। ये फिल्टर्स वगैरह तो नहीं सफाई हुई? यार मुझे बताओ, फिल्टर से सफाई हो सकती है? यहाँ पे कूड़ा पड़ा हो तो मुझे फिल्टर से साफ कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ। बड़ी काबिल लड़की है। अच्छा डेवलपमेंट कैसी लगी बॉम्बे की? ग्रेट, यहाँ पे भी होनी चाहिए ऐसी सफाई, ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे भी। पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है, हमारा शहर है ना, हमारा मुल्क है। ये डेवलप नहीं है हमारा जो पाकिस्तान है, ये डेवलप कंट्री में नहीं आ रहा, तो मतलब वो है। और उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, तो इस वजह से अच्छा लग रहा था। अच्छा अगर हम बॉम्बे को पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर करें तो क्या लगता है बॉम्बे पाकिस्तान के किस शहर से मिलता जुलता है? आई थिंक किसी से भी नहीं, मे बी इस्लामाबाद थोड़ा थोड़ा बहुत। हाँ इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद भी मतलब अगर हम इस्लामाबाद जाए ना तो वहाँ जाके मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हम किसी साफ जगह पे आ गए हैं। मतलब ये वो थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा डेवलप्ड भी है, तो बाकी कहीं भी नहीं। लाहौर में भी कहीं कहीं जगह पे मतलब फील होता है कि हम थोड़ी अच्छी जगह पे हैं, बट यहाँ भी मोस्टली ऐसे एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, तो इस वजह से मतलब ऐसे तो कभी फील नहीं हुआ। कैसा लगा आपको इंडिया का शहर बॉम्बे? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, देखने में अच्छा लगा। क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, खास तौर पर एडिटिंग तो खास अच्छी थी, उसके अलावा जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा था, क्लासिकल टच था, थोड़ा मॉडर्न टच था, अच्छा लगा। आपने नोट किया है कि बॉम्बे में डेवलपमेंट कितनी हो गई है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हमसे काफ़ी आगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से? डेवलपमेंट के लिहाज से तो मैं यही कहूँगा कि जैसे फिलहाल पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है पॉलिटिकली, पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट का ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, मगर होना चाहिए क्योंकि अब देखें कल की जो सूरत हाल हुई है उसके बाद एक नज़र जाती है किस तरफ के ये पॉलिटिकली संभालने अपनी पार्टी को, कि डेवलपमेंट संभाल रहे हैं पाकिस्तान की, एक तरह से पाकिस्तान की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। तो पॉलिटिकली और बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहिए, तो कुछ स्टेप्स होने चाहिए ऐसे हुकूमत को, गवर्नमेंट को लेने चाहिए बिल्कुल। ये वीडियो देखने के बाद दिल किया कि बॉम्बे जाना चाहिए विजिट के लिए एक बार? तो हाँ बिल्कुल, बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मुझे तो लाजमी जाना चाहिए। जी और इस तरह की डेवलपमेंट क्या पाकिस्तान में देखना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी भी हो, इससे अच्छी भी हो, हमारा अपना मुल्क है, हर बंदा मोहब्बत करता है अपने मुल्क से, तो व्हाई नॉट देखना चाहेंगे, लाजमी देखना चाहेंगे। अगर आप बॉम्बे के डेवलपमेंट को पाकिस्तान के किसी सिटी के साथ कंपेयर करें तो किसके साथ करना चाहेंगे? खैर मैं तो लाहौर से बाहर अगर गया हूँ तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ही गया हूँ, तो ऐसे मैंने कोई डेवलपमेंट देखी नहीं जो मैं कह सकूँ कि मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता। ये इंडिया का शहर बॉम्बे है। अच्छा मैम खामोश हो गए? नहीं लगता नहीं है ना, मैं कह रही हूँ इतना साफ सुथरा तो नहीं है। डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है मैम। क्या कहेंगे इंडिया का शहर बॉम्बे, आपने देखा उसकी डेवलपमेंट देखी जिसको आप हॉलीवुड की मूवी कह रहे थे? अब क्या कहना मैम इसमें, तो अच्छी बात है अगर वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को इस तरह हम डेवलपमेंट करें, उसको साफ़ सुथरा बनाएं, मुल्क की खुशहाली के लिए कुछ करें। देखने के बाद दिल किया कि यार यहाँ पर एक बार तो जाना चाहिए, और जब पता चला कि हम साए में हैं फिर तो जाना बनता है। नहीं मैम इंडिया नहीं जाना। क्यों, इंडिया क्यों नहीं जाना? वैसे ही अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता, क्या वजह अच्छा ना लगने की? बस नहीं अच्छा लगता, कोई वजह नहीं है इस चीज़ की। हमेशा किसी की नापसंदीदगी के पीछे कोई वजह तो होती है ना? इसके पीछे वजह कोई नहीं है, बस वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो किस तरह अच्छा लगेगा? किसी तरह भी नहीं लगेगा, कोई चांस नहीं। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें अपने पाकिस्तान मुल्क से प्यार है बस। इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? बस ठीक है, वो डेवलप कर रहे हैं अगर तो उसको बहुत बड़ी अच्छी बात है, अपना मुल्क संवार रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इस अगर आप इस बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट पाकिस्तान की किसी सिटी के साथ करना चाहें तो किसके साथ करें? मैम उनकी नस्बत तो हमारा लाहौर फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, वो तो भी बहुत पीछे हैं हम लोगों से। वो कैसे पीछे कैसे?
वहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये इंडिया का शहर बॉम्बे है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजा आया वीडियो देखकर? हाँ बहुत। मुझे भी आपके कमेंट्स और गेस्ट सुनकर बहुत मजा आया। मुझे बताएं, देखने के बाद दिल किया कि यार जाना चाहिए? नहीं, जाके क्या करना है, देख के दिल भर गया। देख के दिल भर गया, ओके हो गया काम। अच्छा वैसे ये लोग ऐसी बातें वो लोग भी करते हैं जो जा नहीं सकते? हाँ जी। नहीं जा, आपको ऐसा तो कोई काम नहीं है कि जा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सीए का स्टूडेंट है, सीए के बाद जाएंगे इंशाल्लाह, विजिट करेंगे दुबई इंशाल्लाह। मैंने विजिट करना है क्योंकि मेरा जो है वो फेवरेट है कंट्री है, उधर मैंने विजिट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप जाएं जल्दी जल्दी। और मुझे बताएं कि ये कैसी लगी डेवलपमेंट आपको बॉम्बे की? बहुत ही कमाल लगी, बहुत ही एक्सीलेंट। हाँ जी, कमाल मतलब कि है, डिजिटलाइजेशन अच्छी हुई है, अच्छे मतलब के वीडियोस बनी हुई हैं, अच्छी यानी कि ड्रोन कैमरा से अच्छी बनी हुई है वीडियो, अप्रिशिएटेबल है। बॉम्बे की डेवलपमेंट को आप पाकिस्तान की किस सिटी के साथ कंपेयर करेंगे? बॉम्बे की डेवलपमेंट को पाकिस्तान की किस सिटी से? कराची। कराची क्योंकि बॉम्बे भी उनका पुराना शहर है और कराची भी हमारा पुराना शहर है, इस वजह से कराची में जो है मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं लाहौर की नस्बत ज़्यादा हैं और मतलब कि ठीक ठाक है। और इसके अलावा अगर खूबसूरती के बारे में बात करें तो इस्लामाबाद बेस्ट है। अच्छा, आप इस तरह की डेवलपमेंट पाकिस्तान में देखना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं देखना चाहेंगे। और वो कैसी और कब होगी? ये मैं नहीं बता सकता कि कब होगी, जब जो अब पॉलिटिक्स के हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा अभी, क्योंकि किसी बंदे को अब राइट्स जो है ना बंदे के ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। बंदा कुछ भी मतलब जो है ना उनके बारे में नहीं गैस कर सकता कि अभी क्या होने वाला है मुल्क में, क्या हो सकता है आगे। ओके की रिपोर्ट हुआ पर हर काम एक दफ़ा तो घुटने पकड़े जा रहे हैं लोगों के और पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी। तो वो बातें हमें पता है ना जो आ रही है न्यूज़ पे, जो पीछे हो रही है न्यूज़ के, वो तो हमें पता भी नहीं ना कि क्या 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 हो रहा है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मतलब आप खौफ देख रहे हो इंडिया के नाम का उन लोगों के दिलों में, मतलब उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप इंडिया जाना चाहोगे तो भाई सब डर के साफ मना कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें नहीं जाना है, हम जाएंगे तो क्या पता हमें उड़ा उड़ा दे, हमें कुछ कर दे, हम सही सलामत घर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मतलब खौफ बैठा हुआ है उन लोगों के दिल में कि भाई इंडिया नहीं जाना और इंडिया पसंद नहीं है। मतलब इंसान के पास कोई रीज़न होता है ना पसंद का, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मुझे कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से वो पसंद नहीं है। इंडिया उनको पसंद नहीं है लेकिन उनको रीज़न नहीं पता क्यों नहीं पसंद है। हाँ अगर लोगों की बात आएगी तो लोगों के साथ ये मतलब सोशल मीडिया पे ज़रूर कनेक्ट पाएंगे, अगर ये बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी ये कनेक्ट पाएंगे, लेकिन इन लोगों को बाहरी तौर से ये दिखाना है कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इंडिया को पसंद करते हैं तो भाई साहब इनका तो मुल्क में रहना ही जीना आराम कर दिया जाएगा, पाकिस्तान में रहना तो इनको तो पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम तो इंडिया को पसंद करते हो तुम इंडिया में ही जाओ। तो यही डर है कि ये लोग इंडिया को हमेशा बुरा बोलते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी दिल से तो सब मुझे पता है, दिल से तो इन लोगों को दिखता है कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, काश हम भी इंडिया में रह रहे होते। और मतलब लोग मानने को रेडी नहीं है कि ये इंडिया की कोई सिटी है, मतलब इतना ज़्यादा डेवलप दिख रहा है उनको, इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस दिख रहा है उसमें, इतना ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा, कोई कचरा नहीं कुछ नहीं, बहुत मतलब ये लोग फॉरेन से कंपेयर कर रहे थे। एक तो बंदा तो हॉलीवुड की मूवी बता रहा था, तो भाई साहब हॉलीवुड की मूवी से कंपेयर कर दिया तो इन लोगों की तो सोच से ही बाहर है इंडिया। इन लोगों के मतलब जैसे हॉलीवुड जाना हो गया वैसे इन लोगों के लिए इंडिया आना शायद उससे भी मुश्किल है इन लोगों के लिए इंडिया आना। पहली बात तो इनका दिल नहीं मानेगा इंडिया आने का क्योंकि ये डरते बहुत हैं इंडिया आने से। दूसरी बात इन्हें वीज़ा ही नहीं मिलेगा इंडिया में आने का, तो भाई साहब क्या करें बेचारे, यही बोलेंगे अब जो दिल पे पत्थर रख के उनको यही बोलना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी मुंबई का आपने भी बहुत प्यारा सा नज़ारा देखा होगा। और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो गाइज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो बार बार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो गाइज वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन शॉर्ट जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं सबको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और शेयर कर देना, और ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और अपना ध्यान रखिए। थैंक